जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में सेफ, सुरक्षित और फिट होंगे। दोस्तों क्या देख रहे हैं आप लोग? आपको क्या लग रहा है कि मैं कुछ और पी रहा हूँ? दोस्तों ये ग्रीन टी है। लॉकडाउन में इससे ज़्यादा आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन में सब लॉक है, सारा जितना कुछ है सब कुछ बंद है। नो इनकमिंग, नो आउट गोइंग, कुछ भी बाहर से आने वाला है नहीं। चलो छोड़ो, जो है उसका ही एंजॉय करो आप। बट दोस्तों लॉकडाउन में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि लोगों के रूटीन्स बड़े ख़राब हो गए हैं। लोगों के खाने की हैबिट, लोगों के सोने की हैबिट, लोगों की उठने की हैबिट, लोगों की नाश्ते की हैबिट, ब्रेकफास्ट की हैबिट, लंच की हैबिट, लोगों की टॉयलेट जाने की हैबिट, ये सबसे ख़तरनाक तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है इस पर। बट क्या करेंगे। अच्छा, इसमें भी लोगों की नहाने की हैबिट भी गड़बड़ हुई है। और कुछ तो इतने कलाकार हैं इसमें लोग, जो लोगों की दाढ़ी बनाने में पहले उनको शेव करने की आदत नहीं थी, बट अभी लॉकडाउन का बहाना मिल गया तो अभी उन्होंने अपने शेप को, दाढ़ियों को अलग अलग लुक दे दिया है। कोई बोलता है ये डॉन लुक है, कोई बोलता है जेंटलमैन लुक है, कोई बोलता है ऐसा वियर्ड लुक है। मतलब आलस में अगर दाढ़ी बढ़ गई तो उन लोगों ने नाम दे दिया। मतलब हद ही है ना। अभी पहले भी नहीं बनाते थे, तीन तीन चार चार दिन तक बॉस टोक भी देते थे या कुछ भी ऐसा, लोग बोलते थे अरे क्या है बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बना के रखे हैं। तो ऐसा ही ये है क्या? ये लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। तो उसी तरीके से लोग आलस में अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ऐसी थी जिनको सुट्टा होता ना, सुट्टा सिगरेट, सिगरेट पीने की आदत खतरनाक थी। जो लोग पहले बहुत सिगरेट पीते थे और बाद में क्या हुआ कि अभी तो लॉकडाउन में मिल नहीं रहा है, घर में भले ही वो आटा प्याज दाल चावल का जुगाड़ ना कर पाए, लेकिन सुट्टा प्रॉपर कहाँ मिलेगा, वो जुगाड़ वो लोग ज़रूर कर देंगे। ब्लैक में ख़रीद लेंगे, उनके फंटर लोग रहेंगे, वो कैसे न कैसे आइडिया ना आइडिया से उनके पास स्टॉक पहुँच ही जाएगा। अच्छा, और घर में आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस भी छोटे छोटे हो रहे हैं। क्या पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहोगे? कुछ करना नहीं है, उठ जाओ पानी भर दो, उठ जाओ ये कर दो। 30 मिनट से अगर 1 मिनट भी कहीं पे एक जगह बैठे हुए दिख गए आप, तो बवाल हो जाता है। या तो श्रीमती जी चिल्ला देती हैं या तो कोई चिल्ला देता है कि मतलब क्या सब मैं ही काम करूं क्या। अच्छा, और ब्रेकफास्ट तक ठीक रहता है, लंच तक सही रहता है, शाम के चाय के बाद तक जो माहौल बनता है ना घर में, वो ऐसा होता है कि शाम का खाना तो आज आप ही बना दीजिए, मतलब आप ही बना दीजिए, मतलब हाँ आज आपके हाथ के खाना खाने का मन कर रहा है, वाह ठीक है। वो सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब उसको कैसे कैसे टैकल करना पड़ता है। और घर में दोस्तों चलते फिरते नज़र आइए, एक जगह बैठिए मत। अगर आप एक जगह बैठे हुए नज़र आ गए तो समझ लीजिए कि आप बराबर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉकडाउन में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं घर के कामों में। कहने का मतलब ये, लॉकडाउन में पूरा सहयोग करना भी ज़रूरी है, शाम का खाना बनाना, ये करना वो करना, और सारा आपको काम करना ज़रूरी है। ठीक, जैसे ही आपका वेब सीरीज़ या फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉलिंग का टाइम हो जाएगा, वैसे ही आके ठक 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 चाय पी लो, ये कर लो, उसी टाइम पे सब नाश्ते और सब चाय और ये सारा उसी टाइम पे चालू हो जाता है। उसके पहले जब आप बैठे रहते हैं ना, तब तक आपको कोई कुछ पूछता भी नहीं है। और आजकल तो लॉकडाउन में कुछ मिल भी नहीं रहा है, स्टॉक भी नहीं है, या इस तरीके के, तो ऐसी समस्याएं तो बहुत लोगों के, जो फ्रेंड जो दोस्त ऐसा वीडियो कॉलिंग करते हुए दिखा दिया कि भाई देखो, मतलब चिप्स विप्स के साथ, भाई मेरा मैं तो पहले से ही लेके रखा था, अरे अपना तो जुगाड़ हो जाता है। और उसको 10 लोग पूछते हैं भाई कहाँ से मिला, ये कहाँ से हुआ, वो कहाँ से हुआ। तो ऐसा अमूमन हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। फ्रेंड्स मतलब जो नहीं भी जिसको चाहिए पूछने वाला है, जो नहीं भी पीने वाला है वो भी पूछ ही रहा है कि आप कहाँ हुआ। और जो लोग वीडियो कॉलिंग में बराबर ये दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे पास है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे पास पहले से, उनको तो देख के गुस्सा ही आ रहा है। मतलब क्या बोलें अभी उनके बारे में, क्या बोल सकते हैं। बट है, अभी लॉकडाउन का साइड इफ़ेक्ट्स है। तो बाहर तो अच्छा चल रहा है लॉकडाउन, लेकिन भी घरों में जो इस तरीके का माहौल है,
मतलब पाबंदियां और ये सारी चीज़ें और किचकिच पिच पिच ये सब तो चालू ही रहेगा, ठीक है। बट आप अपनी जगह सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए फ्रेंड। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ग्रीन टी का मज़ा लीजिए।